बोलने वाली चिड़िया, कहानी स्वाति सेन गुप्ता। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोलकाता के डलहौजी की एक और भीड़ भड़ाके वाली शाम। बसें पौ पौ पौ, टैक्सियां पी पी पी, लोग एक दूसरे को धकेलते धकियाते फुटपाथ पर जल्दी जल्दी चलते जा रहे थे। फेरी वाले हर तरह की चीजें चिल्ला चिल्ला कर बेच रहे थे। रुमाल 5 रुपए, 5 रुपए, टी शर्ट सिर्फ 50 रुपए, आम 20 रुपए किलो, बहुत ही सस्ता। काम से लौटते हुए माँ जब भीड़ और शोर में धक्का मुक्की करते आगे बढ़ रही थी तो उसने क्या देखा, एक सुंदर सी प्यारी सी चिड़िया अपने नन्हे से झूले पर बैठी वे माँ को देख रही थी। माँ ने चिड़िया को देखा और चिड़िया ने माँ को। उसके पंख चमकते पीले रंग के थे, शरीर सुर्ख लाल और चमचमाती नीली गर्दन। माँ ने ऐसी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी थी। क्या वे अपने बेटे टोकाई के लिए उसे खरीद ले? किसने की है ये? माँ ने खिलौने वाले से पूछा, जिसके पास गिटार, रेलगाड़ियाँ, जहाज, ट्रक और तरह तरह के खिलौने थे। 250 रुपए, उसने जवाब दिया। 250 रुपए, वो भी एक चिड़िया के लिए, और वो भी फुटपाथ पर एक खिलौने वाली चिड़िया के लिए? माँ हैरान हो गई। आप 4 बैटरी डालो, जो भी आप बोलोगे वह यही दोहराएगी, खिलौने वाले ने कहा। मैडम जी, ये ऐसा पीस है, ऐसा दूसरी आपको बैंकॉक, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस में भी नहीं मिलेगी, वे फिर बोला। भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही छूट लग रहा है, माँ ने सोचा। खिलौनों पर इतना पैसा खर्च करना उसे पसंद नहीं था, इससे अच्छा तो वह फल या किताबें खरीद ले। वे वहां से चल पड़ी, ये सोचकर कि खिलौने वाला उसे वापस बुलाएगा और दाम कम कर देगा, पर उसने नहीं बुलाया। मगर चिड़िया उसके दिमाग में घुस चुकी थी, वह उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही थी। कितनी सुंदर थी वह चिड़िया, और बोलने वाली भी, तो कई कितना खुश होगा। माँ वापस मुड़ी, लाओ दो मुझे, उसने खिलौने वाले से कहा। खिलौने वाले ने 4 बैटरी डाली और माँ से टेस्ट करने को कहा। तो काई, माँ ने कहा। तो काई, चिड़िया ने जवाब दिया। माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माँ ने पैसे दिए, चिड़िया को बैग में रखा और घर जाने के लिए बस में चढ़ गई। वे खिड़की वाली सीट पर बैठ गई, ठीक ड्राइवर के पीछे। दरवाजे से खड़े कंडक्टर जोर से आवाज दी, पार्क स्ट्रीट, एल्विन रोड। माँ के बैग में से जोर से आवाज आई, पार्क स्ट्रीट, एल्विन रोड। ये आवाज थी चिड़िया की। कौन है बे? कंडक्टर जाना चाहता था। कौन है बे? चिड़िया ने दोहराया। लोग हंसने लगे। माँ का चेहरा लाल हो गया। उसे जल्दी से बैग में हाथ डाला और बैटरी निकालने की कोशिश करने लगी, पर बैटरी थी कि बाहर आ ही नहीं रही थी, इतनी कसके जो लगाई थी। क्या हो रहा है बुल्लू? ड्राइवर ने कंडक्टर से पूछा। क्या हो रहा है बुल्लू? चिड़िया ने कहा। ड्राइवर ने माँ की ओर देखा, आवाज बिल्कुल वहीं से आ रही थी। कौन हमारी नकल कर रहा है नाड़ू? बुल्लू ने ड्राइवर से पूछा। कौन हमारी नकल कर रहा है नाड़ू? चिड़िया ने भी पूछा। हा हो, बस ठहाकों से भर गई। नीली कमीज में लंबा आदमी, लाल साड़ी वाली औरत, सब्जी का थैला उठाए एक और औरत, पीले कुर्ते में छोटा लड़का, अजीब सी मूंछों वाला आदमी, सबके सब हंसने लगे। चिड़िया भी हंसी। अब तो बुल्लू और नाड़ू बहुत गुस्से में आ गए, सभी उन पर हंस रहे थे। नाड़ू ने सड़क के बीचों बीच बस रोक दी, डलहौजी की भीड़ भड़ाके वाली सड़क के ठीक बीचों बीच। वे माँ के पास आए, आंखें घुमाते हुए, दीदी बैग में क्या रखा है, दिखाओ हमें, बाहर निकालो, दिखाओ हमें, बाहर निकालो। चिड़िया तो रुक ही नहीं रही थी। बस में बैठे सभी लोग माँ की तरफ घूम गए, बैग से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। बाहर सड़क पे तो जैसे हंगामा मच गया, बस, गाड़ी, टैक्सी, स्कूटर एक दूसरे से भिड़ते, पी पी पो पो करते। चलो चलो, मुख्यमंत्री की गाड़ी अभी यहीं से निकलेगी, दूसरे मंत्री और अफसर भी, ये कोई ट्रैफिक जाम करने का समय है, एक पुलिस वाला अपनी वॉकी टॉकी के साथ बस में कूदा और चिल्लाया, ये कोई ट्रैफिक जाम करने का समय है।
चिड़िया वापस चिल्लाई, क्या कौन बोला? क्या कौन बोला? चिड़िया भी चिल्लाई। मजे लेती भीड़ को धक्का देते पुलिस वाला आवाज की दिशा में बड़ा ठीक माँ के सामने आके खड़ा हो गया। मैडम, वह बोला, आपके बैग में कुछ है क्या? क्या है? क्या है? चिड़िया ने भी पूछा। बेचारी माँ अपने बैग के अंदर हाथ डाल के रंग बिरंगी चिड़िया को बाहर निकाला। आहा हा हा हा, लोगे ने कहा। चिड़िया ने कहा, ये खिलौने वाली चिड़िया मैंने अभी अभी अपने बेटे के लिए खरीदी है। ये जो सुनती है वही दोहरा देती है। मेरी गलती नहीं है, माँ ने कहा। मेरी गलती नहीं है, चिड़िया ने दोहराया। ओ है, बिल्कुल है, पुलिस वाले ने कहा। ओ है, बिल्कुल है, चिड़िया भी बोली। ओहो, पुलिस वाला सोचने लगा, मुझे पता है इस चिड़िया को कैसे फंसाना है। ये चिड़िया की ही गलती है, उसने होशियारी से कहा। ये चिड़िया की ही गलती है, चिड़िया ने मान लिया। अब जबकि चिड़िया ने अपनी शरारत मान ली, पुलिस वाले ने माँ, बस ड्राइवर और कंडक्टर को और बस को जाने दिया, पर उसे चिड़िया को तो थाने ले जाना ही था। माँ को अफसोस हुआ कि वह चिड़िया को नहीं रख सकती थी, पर वह पुलिस वाले से और बहस नहीं करना चाहती थी। सब देखते रह गए जब पुलिस वाला एक हाथ में वॉकी टॉकी और दूसरे हाथ में चिड़िया को उठाए बस से नीचे उतरा। भीड़ भड़ाके वाली डलोजी के रोड के बिल्कुल ठीक बीचों बीच अगले दिन लगभग उसी समय उसी जगह दफ्तर से लौटते हुए माँ ने उसी फेरे वाले की आवाज सुनी। बोलने वाली चिड़िया सिर्फ 250 रुपए। ऐसी एक ही चिड़िया है, ऐसी दूसरी आपको बैंकॉक, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और पेरिस में नहीं मिलेगी। माँ मुस्कुराई और उसने पैसे निकाले, पर इस बार उसने पक्का कर लिया था कि खिलौने वाला चिड़िया में बैटरी नहीं डालेगा। ये काम वह घर पहुंचकर खुद ही कर लेगी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ही ही।